इंडेक्स रेंज बाउंड है। सो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, अभी कैसे डिसीजन लिए जाए? तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करें तो काफी स्ट्रेंथ कल दोपहर के 17 से नजर आ रही है, जो कि हम ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 22,500 स्पॉट जो एक अहम लेवल है उसके आसपास ही कामकाज हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट एक अहम लेवल होगा वो होगा 22,550, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेंड और स्ट्रांग हो सकती है। फिलहाल क्या करना होगा, तो जिनके पास लॉन्ग्स है वो 22,350 22,350 स्पॉट ये स्टॉप लॉस बना के रखें, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो काफी वक्त से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं वो थोड़ा और डीप यानी 22,200-250 के आसपास स्टॉप लॉस लगाई कैरी करें। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली अगर हम ये जो अगले 50 पॉइंट 22,550 को क्रॉस करके क्लोज होते तो और 100-150 पॉइंट हम 22,700 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है लेवल टू लेवल बात करना बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ 23,000 और 23,500 बात करना, तो हर बार 50-100 पॉइंट की रिस्क और 200-250 पॉइंट का रिवॉर्ड रख के आपको ट्रेड प्लान करनी होगी बेस्ड ऑन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। बट इसके सामने जैसे मैं कह रहा हूँ पिछले हफ्ते से कि बैंक निफ्टी मुझे आउट परफॉर्मर लग रहा है, ये मैंने मार्च के पहले दिन से कहा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्लियर कट ट्रेड जो मुझे नजर आ रही है जो हाई बने हुए हैं करीबन 48,150 48,150-160 स्पॉट, इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अब ये लेवल है प्रॉफिट बांधने का, बट इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए तो ट्रेड आपको ये करनी होगी जब भी मिल जाए, हो सकता है आज कल परसों, बट 48,150 जोन स्पॉट के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है आप लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस रखिए 47,700 और वहां से आपको जो टारगेट रखने चाहिए टारगेट 149,000 का उसके ऊपर 49,200। मुझे लग रहा है कि ये अगर क्लोजिंग मिल जाए जो कि एक गैप है 48,150 48,150 के ऊपर तो स्ट्रेट 1,000 पॉइंट की रैली हमें मिल सकती है, तो मैं उस क्लोजिंग के लिए ध्यान रखूंगा। तब तक मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लूंगा, बट मेरे रडार में सबसे टॉप पे निफ्टी के भी ऊपर बैंक निफ्टी रहेगी। ये क्लोजिंग जैसे ही मिल जाए मेरे हिसाब से हमें एक लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी पे इनिशिएट करनी चाहिए।